दोस्तों, प्राचीन काल से ही मनुष्य का चंद्रमा से काफी गहरा रिश्ता रहा है। भारत में चंद्रमा की पूजा की जाती है और इसे देवता का दर्जा भी दिया जाता है। बच्चों को चंद्रमामा की कहानियां सुनाई जाती हैं और उससे संबंधित लोरियां भी सुनाई जाती हैं। चंद्रमा के लिए मनुष्य की उत्सुकता नहीं, उन्हें चांद पर जाने के लिए और उसके बारे में जानकारियां प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे विज्ञान की तरक्की हुई, वैसे वैसे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह और जलवायु का अध्ययन करने के लिए कई अंतरिक्ष मिशन्स लॉन्च किए। आज वैज्ञानिकों ने चांद की खोज तथा उससे संबंधित जानकारी हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस दिशा में सबसे पहला सफल परीक्षण लूना 2 सोवियत संघ द्वारा किया गया था। लूना 2 को 12 सितंबर 1959 को लॉन्च किया गया था और 14 सितंबर 1959 को चंद्रमा की सतह से यह 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा गया था और यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। यह पहला अवसर था जब किसी देश का यान चंद्रमा की सतह को छुआ था। इसके बाद चांद पर कई मिशन लॉन्च किए गए, जिसमें से 6 मानव युक्त मिशन अमेरिका द्वारा अकेले भेजे गए थे। चंद्रमा पर पहला मानव युक्त मिशन अपोलो 11 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था। इसी मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। इसी कड़ी में भारत ने भी अंतरिक्ष की दुनिया में एक मुकाम हासिल करते हुए 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर देश का पहला अंतरिक्ष उपग्रह चंद्रयान 1 भेजा था। चंद्रयान 1 को चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन लगे और इसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में 15 दिन का समय लगा था। आपको बता दें कि चंद्रयान 1 का मून और इंपैक्ट प्रोब 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 की ऑर्बिटर से अलग हो गया था और यह चंद्रमा की सतह की ओर 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अंत में यह चांद की सतह से जा टकराया और इस टकराव के कारण मून इंपैक्ट प्रोब पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। लेकिन ध्वस्त होने से पहले ही प्रोब ने वहां पानी की मौजूदगी के सबूत इसरो के पृथ्वी पर मौजूद सेंटर में भेज दिया था। उसने चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे चंद्रयान ऑर्बिटर को यह संदेश भेज दिया था कि जहां मैं गिर रहा हूं वहां बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। इस तरह भारत चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। इस मिशन की सफलता के बाद इसरो को एक नई ऊर्जा मिली और इसरो ने अपने अगले मून मिशन चंद्रयान 2 की तैयारियां शुरू कर दी। चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य चांद पर बर्फ को खोजना था ताकि वहां पर भविष्य में मनुष्यों का निवास संभव हो सके। चंद्रयान 2 मिशन को इसरो ने 21 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी था। इसरो की यह योजना थी कि विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाए ताकि प्रज्ञान रोवर वहां से बर्फ को खोज सके और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सके। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना काफी मुश्किल काम है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई भी देश नहीं उतर पाया था। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाता, लेकिन भारत का यह मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। जब विक्रम लैंडर चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर दूर था, तब विक्रम का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया और वह चांद की सतह से जा टकराया। हालांकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक चक्कर लगा रहा है और चांद से जुड़ी कई अहम जानकारियां इकट्ठा कर रहा है और उसे हमें भेज रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 2 के इसी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन पर भी काम करना शुरू कर दिया। इसरो जल्द ही इस मिशन को चांद की सतह पर रवाना करने वाला है। दोस्तों, हाल ही में इसरो ने एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से चंद्रयान 3 की तस्वीरों को जारी किया है। इस डॉक्यूमेंट्री में भारत द्वारा लॉन्च किए गए 75 सैटेलाइट्स को भी दिखाया गया है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन में कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। इस मिशन के अंतर्गत चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 में अलग से लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर भी लगा होगा, जो इस मिशन को और सेफ बनाएगा।
चंद्रयान 3 के लैंडर में करीब 4 थ्रोटल इंजन को शामिल किया गया है, जिसका इस्तेमाल लैंडर को चांद की सतह पर उतारने के लिए किया जाएगा। चंद्रयान 3 के बनने का काम लगभग पूरा हो गया है, हालांकि इसके कई हार्डवेयर टेस्ट्स अभी भी बाकी हैं। चंद्रयान 3 मिशन को 2021 में ही लॉन्च करना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस मिशन में देरी हो गई। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त 2022 में ही इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। अब तक भारत ने किसी भी दूसरे ग्रह या उपग्रह पर कोई रोवर सफलतापूर्वक लैंड नहीं कराया है। चंद्रयान 3 हमारे इसी सपने को पूरा करेगा। दोस्तों, अगर भारत का यह मिशन सफल हो जाता है तो इससे इसरो को आगे की नई मिशन्स के लिए एक ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट करते हैं। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।